थकी हुई खातून किसी को नहीं भाती। क्या वाकई खून के अंदर आयरन का कम होना थकावट की मेन वजह है? बिल्कुल नाजिश, आप डॉक्टर हो, आप ये बात समझ सकते हो। ठीक है, मोस्टली औरतें आती हैं, वो कंप्लेन करती हैं कि जी हमारे शोहर कहते हैं कि तुम काम चोरी करती हो, थकी रहती हो, हर वक्त बिस्तर पे पड़ी रहती हो। मतलब उन्हें ये कमर में दर्द रहती है, सीधी नहीं बिल्कुल चलती थी, अब देखो थकी पड़ी रहती है। ऐसे ही है। तो वो फटीग वीकनेस आपको तभी फील होती है जब आप में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, अच्छा और वो आयरन की डेफिशिएंसी आपको अपनी नेचुरल डाइट से पूरी करनी पड़ती है। अब बहुत सी खवातीन को हाँ, ये नहीं कैसे पता। पूरी करें खातून? अब वो हमारे यहाँ माशरे में बचपन से ही अच्छी बोटी बेटे की प्लेट में रखना, बिल्कुल, बेटी की प्लेट में ना रखना, ये चीजें तो शुरू से हैं। सबसे पहले अब माइंडसेट ना बदला जाए लोगों का। आके जो मॉडर्न खवातीन है उनमें ये अवेयरनेस है। ठीक है, वो इक्वल राइट्स रखती हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ये कॉन्सेप्ट नहीं थे, तो अभी भी समझ नहीं आती। लेकिन आपको अपनी गजाएं खुद देखनी है। बिल्कुल एक अच्छी माँ एक अच्छी जनरेशन दे सकती है, बिल्कुल एक अच्छा खानदान दे सकती है। तो आपकी अपनी सेहत तो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। बाप कमा के लाता है, माँ तो आपको तरबियत देती है। तो उस माँ का सेहतमंद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आयरन की कमी को कैसे पूरी करें? अब अब कमी तो आ गई, अब क्या करें? काफी लोगों को ये समझ नहीं आती। अगर आपने किसी को कह दिया ना कि आप में जी आयरन की कमी है, वो कहेंगे जी हम आयरन की गोलियां पानी के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें। चाय के साथ ले लें, लस्सी के बिल्कुल साथ ले लें, किस चीज के साथ लें? टिपिकल। बिल्कुल, तो जरूरी नहीं है कि अब आप में आयरन की कमी आ गई है, खून की कमी है, तो आपने गोलियां ही खानी है। ठीक है, आप उनको कुदरती ग़िज़ाओं से पूरा करो। अब वो किन किन ग़िज़ाओं में होता है, ठीक है, आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ठीक है, आपके, हरी सब्जियां, बिल्कुल, हरी सब्जियां। और पालक बहुत अच्छा है उनमें। और इसी तरह से हमारे पास ऑर्गन मीट जैसे जिगर है, लिवर, उससे आपको मिल जाएगा, गोश्त से मिल जाएगा, एग से मिल जाएगा। आपने अपनी ग़िज़ा को सबसे पहले बेहतर करना है। और फिर सबसे बड़ा मसला होता है जी कब कब खाएं और किस तरीके से खाएं कि वो जज्ब भी हो जाए। ठीक है, हमारा तरीका समटाइम्स खराब हो रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पालक लेते हैं, पालक का ये जो स्टैंडर्ड आपका कटोरी या आपका कप है वो 250 ml का होता है। ठीक ठीक है, है, उसमें अगर आप पालक लेंगे तो वो आपको 3.7 mg तक आयरन देगा। ओके। ठीक है, अब जो मेल अडल्ट है उसको डेली बेसिस पे 8.7 mg तक आयरन रिक्वायर्ड होता है, आयरन की जरूरत होती है। इसी तरह जो खवातीन है उन्हें ज्यादा चाहिए होता है, उन्हें 14.5 mg तक आयरन रिक्वायर्ड होता खवातीन है। को आयरन की ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल, जो अडल्ट है 18+। ठीक है, 18 उम्र अब ज्यादा उम्र की लड़कियों को आयरन की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, इसीलिए जो हमारा कप जो मैंने अभी आपको बताया स्टैंडर्ड साइज का, वो हमें 3.7 तक दे रहा है मिलीग्राम ठीक तक। है, तो उससे हम इजीली मेयर कर सकते हैं कि हम अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को रोज किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अब उसको किस तरीके से लिया जाए कि वो जज्ब भी हो जाए। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की दूध पानी किस चीज के साथ लेना है, तो आप उसका हमेशा कॉम्बिनेशन रखते हैं विटामिन सी के साथ। ठीक है, अब विटामिन सी हमें किन खुराक से मिलेगा? आप उसके साथ टमाटर ले लें, लेमन ले लें, शिमला मिर्च खाएं। तो इस तरह से आपका आयरन इजीली अब्जॉर्ब भी होगा, और आपको ये जो थकान के मसले हैं या खून की कमी हो रही है ये भी वो कैटर हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे बहुत सी खवातीन में यही मसला होता है ना कि उनकी जल्द पीली है, उनकी आंखें जर्द हुई होती हैं, उनसे बिल्कुल हिला नहीं जाता। तो ये सारे मसले उनके अपनी खुराक से ही बेहतर हो सकते हैं, उन्हें किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, और ये अनआइडेंटिफाइड जाती है कि लोगों को नहीं पता होता कि उनको डिप्रेशन है। वो कौन सी ऐसी हमारी गजा में चीज हो सकती है, या कोई विटामिन्स हो सकते हैं जिनको लें तो डिप्रेशन का हल निकाला जाए, कि सिर्फ गोलियां ना खाई जाएं, खुराक के साथ भी ठीक किया जा सकता है? नाजिश, बहुत ही कॉमन से कुछ विटामिन्स हैं जो कि आपके डिप्रेशन को कम करते हैं। उनमें हमारे पास विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन D और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं। ठीक है। अब इनके सोर्सेज क्या हैं? ठीक है, वो आपको कुदरती ग़िज़ाओं से भी मिल सकता है। विटामिन D, उसका बेस्ट सोर्स है धूप। धूप, और वो कितनी ज्यादा वाफिर मिकदार में पाई जाती है। बिल्कुल, और इसी तरह से फिश है, फिश ऑयल के आपको कैप्सूल्स भी इजीली अवेलेबल है ठीक मार्केट है। में। फिर अगर आपने फूड्स की तरफ आना है तो उसमें हमारे पास ऑर्गन मीट, लीवर है, जिगर का, गोश्त हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, योगर्ट हो गई। इसी तरह से हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां जो कि हमारे लिए बहुत भली हैं। बिल्कुल, और फ्रूट्स में आपके पास बनाना है, पपाया है, इन सब से आपको ये विटामिंस इजीली मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपने सप्लीमेंट्स की तरफ जाना है तो आप किसी भी अच्छी कंपनी के मल्टीविटामिंस को यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ ना खुराक में
विटामिन्स पूरे नहीं होते। अव्वल तो हम जब खाना बनाते तो उनको इतना भून भून के इतना आग में पका पा करते कि उसके नेचुरल जो उसकी गजाई होती थी वो तो ऐसे उसका गला घोट देते हैं। बिल्कुल, हमें ओवर द काउंटर मल्टी विटामिन्स की सप्लीमेंट्स की जरूरत रहती है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हर एज ग्रुप के हिसाब से मल्टी विटामिन्स की चीजें मौजूद हैं जो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, आपको डॉक्टर से भी लिखवानी नहीं पड़ती। तो इनको लाजमी 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 अपनी हिस्सा अपनी डाइट का करना चाहिए। बिल्कुल, और आप सैलड्स ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल यूज करें सैलड्स पे डाल के, ये चीजें भी काफी हेल्प आउट करेंगी आपको डिप्रेशन को काउंटर करने में। बिल्कुल।